नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। एडिलेड में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड टीम की कमर तोड़कर रख दी है। इंग्लैंड की टीम जो एक समय पर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना चुकी थी, मगर रूट के आउट होते ही पूरी इंग्लैंड टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इंग्लैंड आज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन 236 रनों के मामूली स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड को इस मामूली स्कोर पर रोकने में सबसे बड़ा योगदान दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रहा, जिन्होंने आज पहली पारी में 4 विकेट अपने नाम किए। T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन करने के बाद स्टार्क ने इस श्रृंखला में अब तक अच्छी खासी गेंदबाजी करके दिखाई है। मिचेल स्टार्क पहले मैच में भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे और इस मैच की पहली पारी में भी स्टार्क की गेंदबाजी कमाल की रही है, मगर आज इस पारी में 4 विकेट अपने नाम करने के बाद मिचेल स्टार्क ने एक अनोखा और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज इस पारी में 4 विकेट लेने के बाद मिचेल स्टार्क ने डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि ये कीर्तिमान अपने नाम करने वाले मिचेल स्टार्क विश्व क्रिकेट में एकमात्र गेंदबाज हैं। उनके अलावा और कोई भी गेंदबाज ये कारनामा नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए स्टार्क ने 9 मुकाबले खेले हैं। उनके बाद इस कड़ी में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के ही तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड का, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 32 विकेट अपने नाम करके इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि जॉश हेजलवुड इस मामले में स्टार्क से अभी काफ़ी दूर हैं और शायद ही स्टार्क उन्हें इतनी आसानी से खुद से आगे निकलने देंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।